आता है गाइस से पूछियो। अरे उधर अच्छा नहीं लग रहा। उसकी सब्जी, कल के चावल, आज की रोटी। मेरा पेट में दर्द हो रहा है। मैंने 12 मोमोज खाए हैं, 12। ऑल ऑफ यू फॉर चंद्रयान सक्सेसफुल लैंडिंग। हे गाइस, वेलकम टू द मार रही हूं। मार अभी। अभी रुको आंटी, रुको, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या नाचो मैं? हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस गाइस गाइस, मैंने दो दिन से व्लॉग नहीं बनाया, सॉरी फॉर दैट। ऐसे तो नहीं होता है। पर आज हो गया फाइनली वेडनेसडे और 11 बजने को हो रहे हैं, क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? बारिश है, 3 दिन से वेट कर रहे थे। बारिश हुई नहीं, हुई नहीं, इतनी गर्मी हुई पड़ी थी। आज सुबह से बारिश हो रही है, मैं पजामे के नीचे भी थे, सब गीला गीला हो गया। अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ते में है काला चना और गाइस, नाश्ते में ये और ये, ये और ये खाएंगे। मेरा जो मन कर रहा है ना, वो ब्रेड खाने का मन कर रहा है। ब्रेड बटर वाला सेक के और उसमें, नहीं ना, मुझे उस आंटी को बोल रही हूँ, ब्रेड खाने का मन कर रहा है, तो मैं आंटी को बोलती हूँ कि आंटी लेकर आएगी, तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी। और गाइस मम्मी से, हम गाइस आज चाय पी लो। नाश्ता कर लिया हमने, तो नाश्ता नहीं दे पाओगी, रह रही है। इनके तो वैसे 11 बजते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ठीक है, चलो बाय। Soon after. इस टमाटर छोड़ दिए, मम्मी बताएगी कितना नुकसान किया। इधर बैठ खाते हैं, इसके ऊपर कोई खाता है गाइस से पूछियो। अरे उधर अच्छा नहीं लग रहा, इधर उधर दूध रखा हुआ आपने। गाइस ब्रेड भी आ गए, सुरेश आंटी ले आई थी चाय, और यहाँ पे इसमें है हमारी चटनी। चटनी गाइस बहुत टेस्टी चटनी है ये। मम्मी चम्मच ले आओ। ना ये दोनों का कैसे बैठी हुई, बहुत टेस्टी लगेगी। मैं खाती हूँ और मिलती हूँ आप। गाइस बारिश आ गई है फिर से, अभी थोड़ा मौसम खुला था लेकिन फिर से बारिश आ गई। अभी बूंदे आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से दिखेंगी आपको, पर बारिश स्टार्ट हो गई। गाय माता भी आ गई है। गाइस 2:15 बज रहे हैं और आज बारिश इतनी है, बारिश इतनी है, ऊपर से पापा की जो रेड स्कूटी है वो खराब हो गई। पापा मेरी स्कूटी लेके जाते हैं तो मैं तो खाना देके आ नहीं सकती। अब पापा वहीं से ही किसी को भेजते हैं या खुद आ जाते हैं। कल वो खुद आ गए थे, आज किसी को भेजा था सोनू भैया को, तो वो आके लेके चले गए। अभी हम खाना खा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ हम खाने में क्या खा रहे हैं। और गाइस हाँ, मैंने ना एक पिलग्रिम कंपनी का कैरेटीन स्मूथ शैम्पू मंगवाया था, तो अब मम्मी ने पहली बार यूज़ किया है, अब हम वो देखेंगे कि उससे बाल का क्या वो है रिजल्ट्स। तो वैसे तो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं, बट एक बार सूख जाए तब देखते हैं। और मम्मी अभी लंच कर रही है। गाइस मम्मी लंच कर रही है, लंच में है आलू बीन्स की सब्जी, कल के चावल, आज की रोटी। और क्या बोला तूने? गाइस ये लहसुन वाली चटनी, कैसा लग रहा है टेस्ट? बढ़िया। और गाइस मम्मी के बाल में मेरे को अभी से ही फर्क लग रहा है, स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाते हैं, कैरेटिन में स्ट्रेट होते हैं ना। सेम गाइस ये मेरा है, मैं खाती हूँ फटाफट। भैया दे दीजिए। इधर से दे दीजिए, थैंक यू। गाइस गेस व्हाट, गाइस बारिश हो रही है और कचौड़ी तो बहुत जरूरी हो जाती है ना, प्लीज। बारिश में कचौड़ी नहीं खाई, था कुछ नहीं खाया, और वो भी इतनी सस्ती कचौड़ी। लेने में जाएंगे ना वो भी महंगी पड़ेगी, इसलिए मंगवाओ। अगर इस चाय बन रही है, अभी उबलेगी, इसमें रंग नहीं आया इसलिए बड़ी घटिया सी लग रही है, बट बनेगी अभी। इतने में अपनी प्लेट सजा लेती हूँ कचौड़ी इसकी और मज़े से खाते हैं। मौसम इतना अच्छा कर रखा भगवान ने, 4 दिन से गर्मी फिर एक मम्मी ने एक कचौड़ी खाई और मैंने 3 खा ली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। Are you comedy me?
बहुत ज्यादा। मम्मी बोल रही थी एक रख दे, लेकिन कुछ ज्यादा ही लालच कर रही है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं कैसे करूंगी, मतलब हद धोई जा रही है मेरी। और गाइस अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं मम्मी ने ग्रीन टी ला के दी है, कुछ तो फर्क पड़ ही जाएगा। बहुत ज़्यादा मैंने, अब मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैं कभी भी ना, अब मेरा मैंने अपना मन भर लिया, अब मैं कभी भी कचौड़ी खाऊंगी नहीं। मतलब कोई और मंगवाएगा तो खा लूंगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? खुद ही नहीं मंगवाऊंगी और खाऊंगी, जैसे मैं अब काम कर रही हूँ। और गाइस कल रात को मैंने गोलगप्पे लेने जा रही थी, इतने में मन्नू का फोन आ गया कि मोमोज लाऊंगे। मैंने कहा ठीक है लिया, और वो एक एक जगह के मोमोज नहीं, वो दो जगह के मोमोज ले आया कंपेयर करने के लिए। और दोनों मैंने बोरा मोमोज खाए हैं, बोरा। उसके बाद मैंने मम्मी से एक पराठा बनवा लिया था तो एक पराठा, इतनी अच्छी भिंडी की सब्जी थी, मैंने दो पराठे खा लिया, एक मन्नू का भी खा लिया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। मैं नहीं झेल पा रही, कैसे होगा। और मैंने संडे को पूरा प्लान लिया था कि इस हफ्ते मैं कुछ बाहर का नहीं खाऊंगी, सब घर का खाऊंगी। बहुत गलत कर रही हूँ मैं अपने साथ, बहुत ज़्यादा। मुझे आज रियलाइजेशन हो गई है गाइस, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बस अब कल से देख लेना, अगर मैंने कुछ बाहर का छू भी लिया ना, मैंने मम्मी को बोला मेरी मूछें मुंडवा दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बाबू शर्माता है। गाइस 9 बज गए, अभी जिम से निकली हूँ और मैं 2 दिन से गाड़ी लेके आ रही हूँ, क्योंकि स्कूटी पापा लेके चल जाते हैं, उनकी स्कूटी में दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा। आज मैंने फुल कार्डियो करी है और कम से कम 3 किलोमीटर्स मैं ट्रेडमिल पे चली हूँ। आई थिंक 200+ कैलोरीज बन गई है, तो जो भी आज मैंने बहुत मस्त एक्सरसाइज करी है। अब चलो घर चलते हैं, बस प्रे करना सही सलामत पहुँच जाऊँगी, सही सलामत पहुँच जाऊँ। गाइस मैं घर आ गई और हमने थोड़े फ्रूट्स खाए हैं, मज़े से बैठे हैं, अब हम खा रहे हैं खाना। पापा भी आ गए, आज मन्नू ने पुलाव बनवाया और मैं इतना सही पुलाव खा रही हूँ क्योंकि मैंने कचौड़ियाँ खा के आज अपना पूरा हाजमा खराब कर लिया है। वाह क्या सीन है, लेकिन मेरी जीभ मुझे जीने नहीं देती इसलिए मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। और अब मैं से खाऊंगी और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। गाइस मैं बहुत थक गई आज, मैंने इतनी कार्डियो कर ली, होप जितनी कचौड़ी की कैलोरीज ली थी उतनी बर्न हो गई हो। गाइस मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और गाइस कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर चंद्रयान सक्सेसफुल लैंडिंग।